फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में कहते हैं LPP। तो हम जो लीनियर तो जानते हैं क्या होती है लीनियर, तो हाँ सिंपली क्या होता है लीनियर जानते हैं कि क्या एक्स एंड वाई जो होती है उस पर 1/1 की पावर हो तो क्या होती है, वो लीनियर फॉर्म कहलाती है। और लीनियर फॉर्म में हमने इक्वेशन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 6 से भी पढ़ के आ रहे हैं, गुणनखंड करते हैं तो ज्यादातर दो घात में होता है, लेकिन लीनियर फॉर्म जो होती है वो हमने देखा होगा ax + by + c = 0। क्या है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन, इस पर देखें तो एक्स की भी बन घात है वाई की भी बन घात है, तो क्या है ये हमारी लीनियर है, क्या लीनियर, ठीक है, यानी लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक। इसका ग्राफ भी हम खींचे तो कैसा होता है, रैखिक रूप में प्राप्त होता है, इसलिए हम रैखिक बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राफ कैसा भी हो सकता है हमें ये ए और बी पता नहीं है, तो अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते ग्राफ कैसा होता है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा रैखिक, आपकी रेखा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या होती है एक्स और जो चर होते हैं हमारे एक्स और वाई के पावर 1/1 हो तो क्या कौन सी फॉर्म कहलाती है, लीनियर फॉर्म कहलाती है। अब देखें ऐसे प्रोग्रामिंग क्यों कहा गया, इसमें प्रोग्रामिंग क्यों, जनरली हम देखते क्या है, हमने कंप्यूटर देखे हैं, कंप्यूटर अक्सर क्या है, वैसे भी डिजिटल युग चल रहा है, कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर की जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्रम से करते हैं क्या, सबसे पहले मान लिया कि HTML में कर रहे हैं, किसमें, HTML में, HTML में लिखेंगे, फिर उसका हेड लिखेंगे, फिर उसका टाइटल लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, इस टाइप से हम क्रम से करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें। और यदि हम C++ कोई सी भी लैंग्वेज लें, सभी में कैसे करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रम से करते हैं, HTML हेड वे सभी हम क्रम से दर्शाते, सेम प्रोसेस हम इसमें करते हैं, किसमें, इस टाइप से केस बाय केस तरीका करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। और इसे प्रॉब्लम भी होता है, तो प्रॉब्लम क्या, इसको जब हम हल करेंगे तो वो एक किस्म की हमारी प्रॉब्लम ही होती है उसको हल करने की। तो क्या है ए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या लीनियर प्रोग्रामिंग इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीधे जो हमारा टॉपिक है उस पर, किसी भी सवाल को हम लीनियर प्रोग्रामिंग का हल करना है तो हमें क्या, इन यदि इन शर्तों को यदि हम इनको क्रम से करते जाएं तो गारंटी है कि आप ये कभी गलत नहीं कर पाएंगे, कभी गलत नहीं होगा आपको। कैसे इसे कैसे करना है, सबसे पहले मैं इन नोट को लिख लिया पहले से ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े, इसमें क्या हमने फर्स्ट में देखना आशंका है, आशंका शब्द आती है, आशंका होती क्या है, एक होती है सर्वसमिका, क्या सर्वसमिका, क्या होती है सर्वसमिका, सर्वसमिका होती है वो हमेशा दोनों साइड से इक्वल सिद्ध करते हैं, मतलब जैसे हमने जनरली देखे एलजेब्रिक में या बीजगणित में देखे तो ए इसका क्या हुआ, हमने पढ़ा है बहुत पहले से पढ़ते आए हैं क्या, ab+ हम इसमें कोई सी भी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आएगी, इक्वल आएगी दोनों साइड, तो वो क्या होती है सर्वसमिका होती है। असमिका में डिफरेंस इतना होता है, मान लिया कोई हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक है, समीकरण है हमारा इस रूप से है इन जनरल, तो या तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है, या लेस इक्वल 0 हो सकती है, या ग्रेटर लगा सकती है, इस टाइम मतलब ये नहीं कह सकते कि ये इसके इक्वल ही आएगी 0 की, मतलब दोनों LHS और RHS साइड इक्वल होंगे, इस कारण इसका नाम क्या कहा, असमकर, क्या असमकर, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा क्या। सर्वसमिका जो होती है उसमें हम दोनों साइड से LHS बराबर RHS होता है हमेशा, यदि ये भी पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखें, यदि कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जिसको जब हल करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है, इसी टाइप से ये और भी बहुत सी सर्वसमिका होती है, मैं उन पर नहीं आता हूँ, सीधे उद्देश्य है मेरा क्या असमिका का, मुझे उम्मीद है कि आपको असमिका समझ में आ गई, क्या इसकी हम एग्जैक्ट है इसकी दोनों साइड बराबर नहीं कह सकते, या तो वो इसके ग्रेटर इक्वल हो सकती है या लेस इक्वल 0 के हो सकती है या ये हो सकती है, इतना तो आ गया समझ में। अब आते हैं इन पर, ठीक है, आसम का वाला क्लियर हो गया। अब करना क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अंतःखंड रूप,
अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप कब बनेगा या हमें क्या होगा, संगत समीकरण बनाएंगे। क्या संगत समीकरण, आप एक पॉइंट बढ़ाकर भी इसे लिख सकते हैं, संगत समीकरण बनाते हैं। क्या ठीक है, इसको हम संगत समीकरण बनाते हैं, इसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं इसमें, इसको ए पॉइंट कहते हैं यदि, इसी को बी पॉइंट। ठीक है, संगत समीकरण आप लिख सकते हैं, आप इन सभी पॉइंट को लिख जरूर लें ताकि आपको सिस्टमेटिक तरीका से इसको हल करने में अच्छा भी रहेगा और मजा भी आएगा। क्या इसमें सबसे पहले असमीकरण को संगत समीकरण बना लेंगे, इसके जो दी रहेगी कैसे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर इक्वल, मतलब कोई सी भी इनइक्वालिटी, इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटी, या इसी को अंतर्गत इन्हीं के वजह से क्या बोला जाता है, इसे असमका कह दिया जाता है। इसका संगत समीकरण कैसे, मतलब ए एक्स प्लस इधर को वाई लेंगे, बी वाई प्लस सी इक्वल टू, बस बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो भाई हमारा क्या होता है, संगत समीकरण होता है। जैसे कोई सा भी मान है, 2x प्लस का 3y, ठीक है, मान लिया इधर पे सी, सी का कोई मान ले लिया, मतलब 10 ग्रेटर इक्वल 0। ये अब इसका संगत समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, संगत समीकरण, संगत समीकरण। आपको कभी कठिन नहीं लगेगा, ये प्रोग्रामिंग आपको बिल्कुल ही बनने लगेगी, ये मैं कह सकता हूं। क्या संगत समीकरण बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इनइक्वालिटी इसको हटा करके एक इनइक्वालिटी किसकी, इक्वल वाली हम लगा देंगे, कैसे, प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो जी हमारा क्या हो गया, संगत समीकरणों का, एक बार फिर देख लेंगे हमारे पास जो क्या, ये दो पॉइंट है असमका का संगत समीकरण बनाते हैं, लिखा भी है तो लिखने की ये भी जरूरत नहीं है, ठीक लिखा भी है, ठीक है, असमका दी रहेगी तो क्या जेस्ट रूप में दी रहेंगी, ठीक है, कुछ सवालों में दी रहेंगी लेकिन कुछ सवालों में नहीं दी रही होंगी तो वो थोड़े लॉन्ग में आते हैं तो उनको अभी बताऊंगा, उसमें नहीं दी रहेगी तो उन्हें बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस सभी में यही करनी है, इससे हट के प्रोसेस कभी नहीं जाएगी। ठीक है, क्या करना है, 2x प्लस 3y इसको संगत समीकरण बना लेंगे, इतना आ गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, क्या है हमारा अगला पॉइंट देखें तो, मूल बिंदु द्वारा संतुष्ट कराना, क्या मूल बिंदु द्वारा संतुष्ट कराना, असमता हमारी इस रूप में दी गई है, ठीक है, ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ऐसे लेस इक्वल भी हो सकता है, इस टाइप से दी रही होंगी, ठीक है, इनका जो बिंदु है मतलब होंगे निकल के आएंगे उसका क्या हम संतुष्ट कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे तो मान लिया हम 0,0 का संतुष्ट कराएंगे या 1 पर कराएंगे या हम 2 पॉइंट ले लेंगे, इस पर संतुष्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0, सी में बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस का सी, इसको फिर से लिखें यदि ए इंटू 0, हम संतुष्ट तो कराना आप जानते ही हो क्या, प्लस सी ग्रेटर इक्वल 0, हम इस इनइक्वालिटी के तहत देखें तो सी ग्रेटर देन 0, अब ये तो कह नहीं सकते सी का मान 0, यदि हम सी का मान कुछ 15 ले लिया, कुछ भी ले लिया तो यदि कह दें 15 ग्रेटर देन 0, 0 से 15 बड़ा होता है तो क्या, सही सही बात तो है, 0 से 15 बड़ा तो होता ही है, तो क्या हमारी ये इनइक्वालिटी क्या हुई, संतुष्ट हो गई, क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। एक बार फिर से देखें, यदि मान लिया 10 है, 10 इक्वल टू 0, इसको हम संतुष्ट कराएंगे तो 0 से बड़ा तो 10 होता ही है, ठीक है, इसका मतलब हम इनइक्वालिटी का मतलब देखें, या तो 10 का जो 0 के बराबर होगा या इससे अधिक होगा, तो अधिक वाली ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है, यदि ये नहीं कर रही तो कम से कम ये तो कर रही है, ठीक है, इतना हुआ। यदि हम एक इक्वेशन और लें इन जनरल ना लेके, कैसी लें, मान लिया हमने क्या ली, 3x प्लस का 2y प्लस का मान लिया 4 ग्रेटर, एक में हमने ग्रेटर वाली ले ली, एक कोई सी और ले लें, 3x प्लस का 6y प्लस का 6, इस टाइप से ये इनक्वालिटी ले ली, अब इसमें हम संतुष्ट करा रहे, किससे संतुष्ट करा रहे, ठीक है, 0,2 से और एक से और करा ले रहे किसी को, 0,2 से मान लिया 0,1 से, इन दोनों पर इसको संतुष्ट कराएंगे क्या होगा, 3 इधर पे 0 0 प्लस 2 y का मान क्या है, 2, तो 2 प्लस 4 ग्रेटर इक्वल 0, इतना हो जाएगा।
इतना आ जाने के पश्चात क्या करना है, ये कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 > 0 = 0, ठीक। 0 से बड़ा 8 होता है, ये तो सही बात है ना, 8 तो 0 से बड़ा होता ही है, तो ये क्या होगी, संतुष्ट कर गई। क्या होगी, संतुष्ट कर रही है, कर रही है, ठीक। जब संतुष्ट कर रही है तो मैंने बताया क्या, इसका संतुष्ट हो जाए तब हलचेत क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। जब हम किसी भी रेखा का समीकरण खींचेंगे वो इस रूप में आएगा, तो इसका हलचेत किस टाइप से होगा, ऐसे, मूल बिंदु कौन सा है, 0, 0, मतलब ऐसे आएगा, ठीक है, मूल बिंदु की ओर होगा। यदि आप इसके इस वाले इक्वेशन में रखें, मानिए यही क्या, 3 × 0 + 6 × 1 + 6 < 0, तो 6 6 12 हो गए, यहाँ पर 0। क्या अब 0 12 से बड़ा होता है, संतुष्ट नहीं कर रहा ना, संतुष्ट नहीं कर रहा, कर रहा। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ, देखें आप एक बार फिर से देख लेंगे, हमने 0, 1 संतुष्ट कराया इसमें, इस इक्वेशन में, इन इक्वालिटी में, 3 × 0 + 6 × 1 + 6 ये लेस इक्वल कितना है, 0। अब इसमें रखेंगे, इसको हल किया तो 6 और 12 हो गए। क्या 12 0 से छोटा होता है, बड़ा होता है, जीरो छोटा तो होता नहीं 0 से, तो क्या हुआ, संतुष्ट नहीं कर रहा। जब संतुष्ट नहीं करेगा तब इसका हलचेत कैसे आएगा, हलचेत यहाँ पे बना दिए दे रहा हूं, मान लिया कोई हमारी ऐसे ग्राफ खींचेगा रेखा का, ठीक है, इस रूप में हमारा ग्राफ खींचेगा, तो इसका हलचेत क्या होगा, मूल बिंदु की दूर होगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट पे देखें, क्या क्या संतुष्ट हो जाने के बाद ग्राफ खींचना है, अंतःखंड रूप में बदलेंगे हम। अब किसी भी रेखा को हम अंतःखंड रूप में कैसे बदल दे, आपने सरल रेखा, सिंपल लाइन या लीनियर लाइन पढ़ी होगी, सरल रेखा पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत देखें। क्या मान लिया हमारे पास कोई एक इक्वेशन है लीनियर में, 4x + का 10x, क्या बता रहा हूं मैं, अंतःखंड, अंतःखंड रूप, ठीक है, अंतःखंड रूप में कैसे बदलते हैं वो देख लीजिए, ठीक। 10x + y मान लिए इसके बराबर में 10 है, इसको अंतःखंड रूप हम देखें तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सरल रेखा जब हल करते हैं तो xy/a + y/b = 1 होता है, मतलब यहाँ पर जो RHS होता है हमारा उसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये तो आप पता ही है, ये क्या होता है यहाँ पर, अंतःखंड S अक्ष में कटे अंतःखंड की माप क्या होती है, X अक्ष में कटे अंतःखंड की माप, और Y क्या होती है, वाई अक्ष में कटे अंतःखंड की, जो बी क्या होती है, वाई अक्ष में कटे अंतःखंड की माप, ठीक। अब ये अभी तो ये पता है, क्लियर नहीं हो रहा होगा कि अंतःखंड क्या, खंड क्या होता है, जब मान लिया ये है हमारे पास, इस रूप में हमने रेखा का समीकरण लिया, क्या ये 0, 0 हमारा मूल बिंदु है, मान लिया यहाँ पर कटा ए और ये बी, तो यही है, एस अक्ष में कटा अंतःखंड ये हो गया, और बी है जो वाई अक्ष में कटा अंतःखंड ये हो गया, तो ये कहलाते हैं हमारा, इस फॉर्म में हमें बनाना पड़ता है, इसी को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तो इसको डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो 4x / 10, इसी प्रकार से 10y / 10 = 1, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक, लेकिन यहाँ पर गुणांक देख रहे क्या है सबका, वाई का 1, तो यहाँ पर 1 बनाएंगे तो 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10/4, नीचे ला सकते हैं इसे, 10 y/10 = 10, = 1, इसको काट सकते हैं, कटेगा तो 2 से काटेंगे, इसी प्रकार से y 1 = 1, जी हमारा क्या होता है, अंतःखंड रूप होता है, क्या होता है, अंतःखंड रूप होता है, ठीक है, मैं अभी एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये, इतना उगल लेंगे। अब क्या करना है यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो, ग्राफ खींचना, इसी का यदि हम ग्राफ खींचे हैं
क्या कीजिएगा, क्या इसमें बोल रहे हैं? यहाँ पर देखें, एक्स अक्ष में कटांतरखंड, एक्स अक्ष में दूरी, ये को मान कितना हमारा, ये का ये 0.0, मान लिया 5/2 यहाँ पर होगा, क्या होगा 5/2 यहाँ पर होगा। और वाई देखें, वाई अक्ष पे वी का मान कितना है, वी होता है वाई अक्ष में, तो वी का मान कितना, 1, तो मान लिया 1 जी, ये डाई तो यहाँ पे ब्रश में लग दी, 1 यहाँ पर होगा। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारे किस रेखा का समीकरण हो गया, इस रेखा को वहाँ पे हम डिनोटेड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10y=1, नहीं कैसे लिखा तो ये वाली इक्वेशन लिख दी, इतना कर देंगे। इतना करने के पश्चात क्या करेंगे, ये अब हम जानते हैं कि इसके बिंदु दर्शाएंगे तो क्या होगा, 5/2 0, और यहाँ का पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई, तो एक्स यहाँ पर तो 0 होता है, तो 0 और 1 होता है, इसी टाइप से वाई बाद में। तो इतना करने के पश्चात क्या होगा हमारा, स्पष्ट हो गया ग्राफ खींचना। अब आता है ग्राफ खींचने के बाद कौन ही बिंदु निकालना है, तो हमारा पहले तो हल क्षेत्र प्राप्त करेंगे। हल क्षेत्र कैसे बताया, यहाँ पर यदि मूल बिंदु की ओर संतुष्ट कर रहा तो मूल बिंदु की ओर, यदि संतुष्ट नहीं कर रहा तो मूल बिंदु से दूर, तो इतना हो जाएगा। फिर क्या, फिर खींचना कौन ही बिंदु, क्या कौन ही बिंदु वे कहलाते हैं जो हमारा क्षेत्र आया, मान लिया ये आ गया ठीक, तो कौन कौन पर ये क्षेत्र डिपेंड कर रहा है, कितना है हमारा क्षेत्र, इतना मान लिया ये कॉमन आ गया सब में ठीक है। अभी मैं एक ही लाइन का बता रहा हूँ ठीक है, इतना आ गया, इसमें जो भी इतना आ गया हमारा हल क्षेत्र, तब क्या करें, अभी खाली में मेथड है इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ठीक। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोणी बिंदु एक ये हो गया, कोने पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कोणी बिंदु क्या हो गए, ये हो गए ठीक है, प्राप्त करना। तो प्राप्त है इसमें, किसी किसी में हो सकता है प्राप्त ना हो, तो प्राप्त करने की बड़ा इजी होता है, कोई सी जब दो तीन असमकांत दी रहेंगे तो इस टाइप से काटेंगे तो उनका कटान बिंदु जानते ही निकालेंगे, तो बस ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, कौन बिंदु प्राप्त कर लेंगे। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा कैसे इसका हल करते हैं, और इतना सिंपल मेथड बताऊंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा, किस टाइप से बताने जाऊंगा ठीक है। तो आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें, बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर की, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता है। थैंक यू।